राजनगर तहसील पहुंचकर किसानों ने गाय को लेकर किया भारी हंगामा। राजनगर तहसील पहुंचकर आज गायों की समस्या को लेकर किसानों ने भारी हंगामा किया, जिसके चलते क्षेत्र भर से किसानों के द्वारा अपने अपने क्षेत्र से गायों को हांक कर तहसील प्रांगण में लाया गया, जो कि पूरी तरह से आज तहसील प्रांगण गायमय हो गया, जिसके चलते तहसील में होने वाले रोजमर्रा के कार्य भी काफी प्रभावित हुए। ओबीसी महासभा के द्वारा आयोजित इस आंदोलन में गाय की समस्या कम बल्कि गाय को लेकर राजनीति कुछ ज्यादा ही दिखाई दी, क्योंकि आंदोलन के माध्यम से ओबीसी महासभा जिंदाबाद के नारे ज्यादा सुनाई दिए। किसानों की समस्या कम तो वहीं गौ सेवक राजकुमार द्विवेदी, श्री राम पांडे, राजकुमार गंगेले, अरुण सिंह चंदेल, अवधेश तिवारी, अर्जुन पांडे इत्यादि ने गांव गांव से खदेड़ कर लाई गई गायों पर अत्याचार के आरोप लगाते हुए कहा गया है कि गायों पर डंडे बरसाए गए, जिसके चलते कुछ गाय घायल भी हुई हैं, जिसके संदर्भ में गौ सेवकों के द्वारा भी एसडीएम को अपना विरोध व्यक्त करते हुए ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें गायों के साथ हुए अत्याचार पर आरोप तय करते हुए गायों के साथ हुई बर्बरता पर अपना विरोध व्यक्त किया। एसडीएम के द्वारा गाय की समस्या को लेकर आंदोलन कर्मियों को 10 दिनों के अंदर समस्या के समाधान की बात कही है। एसडीएम ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि गायों की समस्या को लेकर जनपद सीईओ के माध्यम से ग्राम पंचायतों में मुनादी कराई जाएगी एवं गायों को गौशालाओं में सुरक्षित भेजने हेतु निर्देश भी दिए जाएंगे। आपका शुभ नाम? राजकुमार द्विवेदी। आज ये जो गाय बड़ी संख्या में यहाँ तहसील प्रांगण में लाई गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से किसान परेशान, इसमें कोई दोराय नहीं है, पर जिस तरीके से अत्याचार गौवंश पे हो रहा है, जिस तरीके से ये डंडे बरसाए जा रहे हैं गौवंश के ऊपर, निश्चित ही विचारणीय है। ये वही किसान है जो गायें पालते हैं, इन्हीं में से कई लोग ऐसे हैं जो गौचर दबाए बैठे हैं, गायों की भूमि पर कब्जा किए बैठे हैं। 2 एकड़ जमीन का मालिक 70 एकड़ जमीन बो रहा है, गौशालाओं का संचालन नहीं हो रहा है। मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा कि जो ये अत्याचार आज दिख रहा है, निश्चित रूप से इन लोगों में किसानों की आत्मा नहीं बसती है। सरकार को एक कदम उठाना चाहिए इन गायों को गौशालाओं में। दूसरी बात, उन किसानों के ऊपर निश्चित रूप से दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए जो सालों से गौचर भूमि बो करके उस पर कब्जा जमाए बैठे और गायों का हिस्सा खा गए। क्या 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 गायों में डंडे बरसाए गए? आप पूरे रास्ते में देखिए, इस तरीके से डंडे बरसाए जा रहे हैं, इस तरीके से डंडे बरसाए जा रहे हैं, शायद आप सीधी आंखों से देख नहीं पाएंगे जिस तरीके से अत्याचार उनके ऊपर किया जा रहा है। मैं फिर से एक बात दोहराता हूँ, किसान गौवंश से परेशान है, पर गायें किसकी हैं? उन्हीं किसानों की हैं। गौचर कौन बोए हैं? वही किसान लोग बोए हैं। तो अगर उन लोगों में सच में हिम्मत है तो एक बार यहाँ पे कार्यालय में आकर के एक आवेदन और लगाएं ना कि महोदय, जो जो किसान गौचर भूमि पे कब्जा करे हैं उनके कब्जे छुड़ाए जाएं और वो गौवंश को सौंपे जाएं, अगर सच में हिम्मत है तो।